आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ क्लस्टर बीन्स की सब्जी यानी कि गुआर फली। ये खाने में टेस्टी बहुत लगती है और हेल्दी सब्जी है। तो रेसिपी को देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इस सब्जी के लिए लिया है हमने 250 ग्राम क्लस्टर बीन्स, जिसको तोड़कर अच्छे से धोकर लिया है। अब हमने कढ़ाई गरम करने रख दिया, लो फ्लेम पे पकाएंगे। डाल दिया है उसमें 1/4 कप ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम करना है। ये गरम हो चुका है तो उसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग। हींग से ये स्वादिष्ट लगती है सब्जी। उसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। राई को पहले हम क्रैकल करेंगे। 1/4 टीस्पून राई मैंने यहाँ पे यूज़ की है। अब ये क्रैकल हो चुकी है अच्छे से तो उसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा। राई और जीरा का कॉम्बिनेशन हर सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। अब उसमें डाल देंगे हम क्लस्टर बीन्स। क्लस्टर बीन्स को मराठी में गवारीचा शेंगा भी बोला जाता है। डाल देंगे उसमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें और ड्राई मसाले अभी नहीं डालने वाले, ना ही इसमें हम पानी डालेंगे। बस नमक के साथ ही इस सब्जी को पकाना है। तो इसीलिए अब हम इसको ढककर पकाने वाले हैं। ढककर पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। और 7 से 8 मिनट के बाद देखिए कितनी बढ़िया सी ये गवार की फली अच्छे से पक चुकी है। उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये पक चुके हैं। फिर भी मैं एक तोड़ कर दिखा देती हूँ आपको। तो ये सब्जी सिर्फ भाप पर और नमक में ही पकाई जाती है, तभी ये बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई गरम मसाले यानी कि हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला। गरम मसाले से टेस्ट बढ़िया आता है। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ जागरी। जागरी से थोड़ी सी मिठास आ जाती है इस सब्ज़ी में, तो ये इसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ऑयल में ही पकाएंगे मसाले भी। अब या आपने देखा होगा यहाँ पे हमने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, इसको सिर्फ भाप पर पकाया है, तभी ये सब्ज़ी बढ़िया लगती है। 3 से 4 मिनट के लिए फिर से भाप पर पकाएंगे। एक भाप को आने देंगे, इसमें समय लगेगा 3 से 4 मिनट। और देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बन चुकी है। आप इसे खा सकते हैं। इसे मैं सर्व कर रही हूँ बाउल में। रोटी के साथ खाए या चावल के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत बढ़िया और टेस्टी सब्जी बनती है। अगली बार फिर से मिलूंगी मैं आपसे एक बढ़िया सी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।